सो लास्ट नाइट आई वॉच द बबल एनिमे फ्रॉम नेटफ्लिक्स। तो अगर आप अभी भी अपने बबल के अंदर जी रहे हो और आपको यह नहीं पता कि बबल किस एनिमे का नाम है, तो लेट मी डू दी ऑनर बिकॉज मुझे इस वीडियो को लंबा भी बनाना है। सो बबल वॉज लाइक वन हेल ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय नेटफ्लिक्स। ओह मैन, द स्टफ लिस्ट। इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म अगर जैपनीज एनिमेशन जैसे नीच के अंदर अपना हाथ डाल रहा है, तो वो उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहेगा जिनका नाम जैपनीज इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत ऑलरेडी ट्रांसेंड करता है। इन विच द फर्स्ट नेम वॉज तेत्सुरो आराकी। तेत्सुरो आराकी एक बहुत ही केओटिक डायरेक्टर है। वो किसी भी नॉर्मल से नॉर्मल एनिमे को लार्जर देन लाइफ दिखाने में सक्षम है। अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल इज डेथ नोट। डेथ नोट जैसे एक डायलॉग हैवी शो को भी हम उसके कैमरा एंगल्स और बहुत ही ड्रामेटिक सीक्वेंसेस के लिए याद रखते हैं, ऑल थैंक्स टू तेत्सुरो आराकी। सो डेथ नोट से फेम मिलने के बाद आराकी ने एक दो और छोटे मोटे एनिमे पर भी अपना हाथ डाला हुआ है, जैसे कि हाई स्कूल ऑफ द डेड, अटैक ऑन टाइटन। ये कौन सा एनिमे है? डज एनीबॉडी नो अबाउट दिस एनिमे? ब्रो, अटैक ऑन टाइटन, इनसाइड और आउटसाइड, द मोस्ट केओटिक एनिमे एवर मेड। और नेटफ्लिक्स ने यही देखा। तेत्सुरो आराकी, द डायरेक्टर ऑफ अटैक ऑन टाइटन, हिरोयुकी सावानो, द म्यूजिक कंपोजर ऑफ अटैक ऑन टाइटन, एंड फाइनली विट स्टूडियो, द ओरिजिनल प्रोडक्शन हाउस ऑफ अटैक ऑन टाइटन। एंड नहीं सिर्फ इतना ही नहीं, अभी वेट, नेटफ्लिक्स के पास और पैसा है। ताकेशी ओबाता, द ओरिजिनल इलस्ट्रेटर ऑफ डेथ नोट मांगा, गेन उरोबुची एज स्क्रिप्ट राइटर, एंड देन एरन येगर एंड लाइट यागामी के वॉइस एक्टर्स एक साथ एक ही मूवी के अंदर। नेटफ्लिक्स लिटरली हैंड पिक्ड द बिगेस्ट नेम्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू मेक दिस मूवी बिग। अब मूवी एक्चुअली में कैसी है ये तो हम पता करेंगे। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दिस, आई वॉच्ड बबल एनिमे ऑन नेटफ्लिक्स एंड इट इज नथिंग लाइक व्हाट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। टाइम फॉर अ कन्फेशन, एनिमे मूवीज का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। अगर किसी मूवी के अराउंड मौजूदा हाइप है या मेरे ऊपर पीयर प्रेशर है, तो मैं कोई एनिमे मूवी देख लूंगा। अदरवाइज आई विल नेवर गो आउट ऑफ माय वे टू वॉच एन एनिमे मूवी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी एनिमे मूवीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिंपली वर्क नहीं करती। बहुत सारी ऐसी एग्जिस्टिंग एनिमे सीरीज है जिनको मैं मेमोरेबल कह सकता हूँ, बट नॉट सो मेनी एनिमे मूवीज। एंड हाँ, रिमेंबर, मैं स्टैंड अलोन एनिमे मूवीज की बात कर रहा हूँ, नॉट द वंस जो किसी एनिमे सीरीज की कॉन्टिन्यूएशन है। नाउ आस्क मी अबाउट अ स्टैंड अलोन मेमोरेबल एनिमे मूवी एंड आई विल प्रोबेबली से किमी नो नावा एंड नथिंग एल्स, लिटरली नथिंग एल्स। एनिमे मूवीज की मेन दिक्कत यह है कि वो एक बहुत ही लिमिटेड टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा एम्बिशियस स्टोरीज दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि वर्क नहीं करता, एंड बाय द एंड ऑफ द मूवी किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। एंड होल्ड ऑन, दिस इज नॉट अ रैंट ऑन व्हाई आई डोंट लाइक एनिमे मूवीज। मैं जानता हूँ तुम में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके फेवरेट एनिमे की लिस्ट में काफी सारी एनिमे मूवीज भी हैं, लाइक साइलेंट वॉइस, आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, केक इज डिलीवरी सर्विस, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। बट मैं अभी भी यही कहूंगा कि दीज आर द मूवीज दैट आर वेरी ग्राउंडेड इन टर्म्स ऑफ देयर आइडियाज, अनलाइक मूवीज लाइक बबल। नाउ अब तक तो तुम समझ ही गए होगे, बबल सफर्स द वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑफ हैविंग अ वेरी एम्बिशियस प्लॉट इन अ मूवी फॉर्मेट। सो द मूवी इज सेट इन मॉडर्न टोक्यो, एंड मॉडर्न तुम आसानी से बता सकते हो बिकॉज यहाँ की हवा में इंटरनेट है, लिटरली इंटरनेट इज एवरीवेयर। तो सब कुछ अच्छा और नॉर्मल जा रहा होता है, एंड देन सडनली समथिंग हैपेंस इन द टोक्यो टावर, एंड उसमें से काफी सारे बबल्स इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं, और फिर उन बबल्स के अंदर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है एंड पूरा का पूरा टोक्यो पानी में सबमर्ज हो जाता है। सो नेचुरली सिविलियंस टोक्यो शहर को छोड़ देते हैं, टोक्यो इज ऑल डेजर्टेड इन वाटर, एंड नाउ पूरा का पूरा टोक्यो होमलेस बच्चों का पार्कोर का मैदान बन चुका है। आई लाइक हाउ दे पुट पार्कोर इन दिस मूवी। वो पार्कोर के अलावा कुछ भी पिक कर सकते थे इस मूवी का इंटीग्रल पार्ट बनाने के लिए, बट दे स्पेसिफिकली चोज पार्कोर बिकॉज दे वॉन्टेड टू फ्लेक्स द स्टूडियोज केपेबिलिटीज एंड पुट सम अटैक ऑन टाइटन इन देयर। तो पार्कोर काफी ज्यादा इंटीग्रल है इस मूवी के अंदर। द कैरेक्टर्स लिव इन गैंग्स और हुड्स एंड दे यूज पार्कोर एज अ मेथड, एज अ गेम टू सेट द हायरार्की, कि कौन किससे ऊपर है एंड कौन दूसरे का सारा राशन जीत कर अपने घर लेकर जाएगा। पर खैर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस मूवी के अंदर। द स्टोरी आई एब्सोल्युटली अंडरस्टूड नथिंग, पर हाँ, इसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, एंड यू नो व्हाट इट इज, द एनिमेशन, नॉट जस्ट द एनिमेशन, द एंटायर प्रोडक्शन ऑफ दिस मूवी। ये एक एनिमे मूवी है विच इज मेड बाय विट स्टूडियो, तुम इससे कुछ लेस एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। द एनिमेशन इज एब्सोल्युटली बॉम्ब एंड उस पर हिरोयुकी सावानो का साउंड ट्रैक, आहा। एंड सिंस इसमें तेत्सुरो आराकी भी हैं, तो इसमें आपको अटैक ऑन टाइटन वाला कैमरा वर्क भी देखने को मिलेगा, बट अदर देन दैट देयर इज नॉट मच बिकॉज यू नो दिस इज अ नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट, एंड नेटफ्लिक्स तो ऐसा जरूर चाहेगा कि उसके वर्क की अपील ज्यादा से ज्यादा ग्लोबलाइज्ड हो, एंड नॉट एवरीवन लाइक्स टू वॉच अ केओटिक ड्रामा। तो प्रोडक्शन की बातें होती रहेंगी और मैं ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता, यू शुड जस्ट गो आउट एंड एक्सपीरियंस इट ऑन योर ओन। एंड अबाउट द स्टोरी, जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, एंड कुछ भी से मेरा मतलब था द कॉन्सेप्ट ऑफ द मूवी। There were things like the bubbles, anti-gravity tower, lion's den, और म्यूजिक की भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है जो कि इन द एंड कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता। लेकिन दैट डजंट मीन कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यू शुडंट वॉच दिस मूवी। ब्रो, यू शुड एब्सोल्युटली डू इट।
स्टोरी समझ ना आने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको समझ आएंगे, द कैरेक्टर्स आर रियली गुड। तो स्टोरी एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को फॉलो करती है जिसमें सारे कैरेक्टर्स पार्क और स्टंटमैन हैं, जो कि सर्वाइवल के लिए दूसरे ग्रुप्स के साथ कम्पीट करते हैं और बदले में उनका राशन पानी जीत लेते हैं। द मेन कैरेक्टर हिबिकी इस पूरी टीम का एस है एंड वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एज अ स्टंटमैन एंड ऑल्सो ही इज डिफरेंट एंड मिस्टीरियस। एंड ये चीज भी हमें एक्सप्लेन नहीं की गई है कि ऐसा क्यों है। एंड देयर इज ऑल्सो दिस गर्ल कैरेक्टर जो कि दिखने में तो लड़की है पर वो इंसान नहीं है, शी केम आउट ऑफ नोवेयर जस्ट लाइक द बबल्स। बाकी लोगों से तो वो काफी नॉर्मली इंटरेक्ट कर लेती है लेकिन फॉर सम रीजन वो सिर्फ हिबिकी को टच नहीं कर सकती। जितनी बार वो हिबिकी को टच करने की कोशिश करती है उसका शरीर बबल्स में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और गायब होने लगता है। शी कैन किस हिम दो। ऑलराइट गाइस, कंसेप्ट वाइज भले ही आपको मूवी ज्यादा कुछ समझ में ना आए बट इन टर्म्स ऑफ इमोशंस दिस मूवी कैन मेक यू फील रियली पम्प्ड अप एंड ऑल्सो मेक यू क्राई बकेट्स। ये मूवी कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से हैंडल करती है दैट डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव थिंग्स यू रियली फील द इमोशंस, जॉय, एक्साइटमेंट, सैडनेस, एवरीथिंग। स्पेशली मूवी के एंड का मोमेंट जो कि काफी ज्यादा इमोशनल था, अगर थोड़ा सा और होता तो मैं पक्का रो देता। वैसे मैं आज तक कभी रोया नहीं हूँ कोई एनिमे देखकर, बट आई नो समवन हु हैज क्राइड एट दिस सीन एंड इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। और ये सिर्फ फर्दर प्रूफ है इस बात का कि मूवीज इन सारी चीजों को काफी इजिली पुल ऑफ कर सकती है, बट एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस और ग्रैंड प्लॉट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी बिकॉज बबल मूवी डेफिनेटली वो नहीं है। Watch it for the emotions and animation.